हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जीके टू फॉर एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं जॉब रिलेटेड एक और न्यू नोटिफिकेशन, जो कि फ्रेंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड, ये जॉब है, ये नोटिफिकेशन है जो कि इंडियन पोस्ट ऑफिस एमटीएस एंड पोस्टमैन रिक्वायरमेंट, जो कि 2022 में इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ फ्रेंड्स, जिसमें आप बहुत अच्छे खासे वैकेंसीज इस बार देख पाएंगे जो कि इंडियन पोस्ट ऑफिस में आई है फ्रेंड्स। जैसा कि इस वैकेंसी के अंदर हम फ्रेंड्स देखने वाले हैं, इसके पूरे ओवरव्यू डिटेल्स को कवर अप करेंगे। जैसे हम इसके वैकेंसी डिटेल्स को देखेंगे फ्रेंड्स, नेम ऑफ द सर्किल एंड नेम ऑफ द पोस्ट देखेंगे फ्रेंड्स। नेम ऑफ द पोस्ट जो कि पोस्टमैन के लिए क्या होने वाला है फ्रेंड्स, नेम ऑफ द पोस्ट जो कि मेल गार्ड के लिए क्या होने वाला है, नेम ऑफ द पोस्ट जो एमटीएस के लिए क्या होने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी और बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने वाले हैं फ्रेंड्स, जो कि इंडियन पोस्ट ऑफिस वैकेंसी आई है फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम सारे चीज़ को कवर अप करने वाले हैं फ्रेंड्स। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, और ऐसे में सपोर्ट करते रहिए ताकि आगे भी आने वाली नई वीडियोस सबसे पहले हम आप तक पहुंचा सकें। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, लेट्स सी द वीडियो। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन पोस्ट ऑफिस जो कि एमटीएस एंड पोस्टमैन रिक्वायरमेंट 2022 का शॉर्ट डिटेल्स ओवरव्यू करेंगे, जिसमें नेम ऑफ द पोस्ट देख सकते हैं आप, नेम ऑफ द पोस्ट जो कि होने वाला है इंडियन पोस्ट ऑफिस, नेम ऑफ द पोस्ट कौन कौन से पोस्ट के लिए आइए जो कि आप देख सकते हैं, पोस्टमैन के लिए, मेल गार्ड के लिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ जो कि एमटीएस होने वाला है, नंबर ऑफ वैकेंसी। सो फ्रेंड्स, इस पर बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, जो कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 98,083 आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, 98,083 वैकेंसी आपको देखने को इस बार मिलेगा। एप्लीकेशन का जो मोड है आपका ऑनलाइन होने वाला है, कैटेगरी आपकी गवर्नमेंट जॉब होने वाली है, जॉब लोकेशन ऑल इंडिया में आप कहीं भी कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन देखते हैं। सो आपकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन 10th पास और 12th पास आपके पास होनी चाहिए। एज लिमिट मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 32 साल होना चाहिए। एज रिलेक्सेशन भी देखने को मिलेंगे जो कि एसएससी के लिए 5 साल के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल के लिए। सैलरी क्या होने वाली है, सो सैलरी आप देख सकते हैं आपकी 15,000 से लेकर 20,000 तक आपकी सैलरी होने वाली है। सिलेक्शन का जो मोड है अभी फ्रेंड्स नोटिफाई होने वाला है। एप्लीकेशन का जो फी है आपका UREWS ओबीसी के लिए 100 rupees होने वाले, SCST और PWD के लिए नो चार्जेस। ऑफिशियल वेबसाइट, सो आप देख सकते हैं www.indianpost.government.in होने वाला है। स्टार्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन अभी फ्रेंड्स नोटिफाई होने वाला है। लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन वो भी फ्रेंड्स अभी नोटिफिकेशन इसका आने वाला है। वैकेंसी डिटेल्स देख सकते हैं जो कि पोस्टमैन में देख सकते हैं आप, 59,099 जो कि पोस्ट होने वाला है पोस्टमैन में। मेल गार्ड में देख सकते हैं 1,445 होने वाले हैं फ्रेंड्स, और मल्टी टास्किंग एमटीएस जिसमें आप देख सकते हैं 37,539 पोस्ट होने वाले जिन पे वैकेंसी आई है फ्रेंड्स। नेम ऑफ द पोस्ट सर्किल के अकॉर्डिंग देखेंगे और नेम ऑफ द पोस्ट के अकॉर्डिंग, नेम ऑफ द पोस्ट जो कि पोस्टमैन के लिए आई है कौन कौन से सर्किल में, सो आंध्र प्रदेश सर्किल में आप देख सकते हैं 2,289, वैसे आसाम में भी देख सकते हैं, बिहार सर्कल में भी देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ देख सकते हैं, दिल्ली देख सकते हैं, गुजरात देख सकते हैं, हरियाणा देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश सर्किल जो कि स्टेट वाइज फ्रेंड्स इस पर वैकेंसी आई है, जिसमें आप जम्मू कश्मीर के लिए भी देख सकते हैं, झारखंड के लिए भी देख सकते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ पे, कर्नाटक के लिए भी, केरला के लिए भी, मध्य प्रदेश के लिए भी, महाराष्ट्र के लिए भी, एनी सर्किल के लिए भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, उड़ीसा के लिए और पंजाब के लिए, सारे स्टेट वाइज फ्रेंड्स वैकेंसी आई है जिसमें आप देख सकते हैं। और सेकेंड में हम देखेंगे नेम ऑफ द पोस्ट जो कि मेल गार्ड के लिए, मेल गार्ड के लिए भी फ्रेंड्स सेम वैकेंसी टाइप निकली है जो कि आंध्र प्रदेश सर्किल में देख सकते हैं 108 पोस्ट देखने को मिलेंगे, आसाम के में 73, बिहार सर्किल में 95, छत्तीसगढ़ सर्किल में 16 पोस्ट, दिल्ली सर्किल में 20। अकॉर्डिंग स्टेट वाइज आप वैकेंसी इस बार देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो कि गुजरात में भी आप देख सकते हैं, हरियाणा, HP, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, MP सर्किल स्टेट वाइज आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र के लिए भी देख सकते हैं, एनी के लिए भी देख सकते हैं आप फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तराखंड, UP सर्किल एंड वेस्ट बंगाल आप नीचे में भी देख सकते हैं। एंड थर्ड वन देखते हैं नेम ऑफ द पोस्ट MTS के अकॉर्डिंग, नेम ऑफ द पोस्ट MTS में, सो फिर इसमें भी देख सकते हैं आप, AP सर्किल 1,166, आसाम, बिहार सर्किल, छत्तीसगढ़, दिल्ली सर्किल, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, स्टेट वाइज देख सकते हैं फ्रेंड्स जो कि मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए आई है, इसमें भी देख सकते हैं आप फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं स्टेट वाइज वैकेंसी, उड़ीसा हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा फ्रेंड्स,
और उसके बाद भी आप नीचे भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो कि आपका वेस्ट बंगाल तक लास्ट है, जो कि 3744 पोस्ट होने वाले हैं एमटीएस में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, सो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन अप्लाई फॉर द पोस्टमैन पोस्ट के लिए या मेल गार्ड के लिए या मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए शुड हैव कंप्लीट उनका 10th और 12th पास आपका होना चाहिए। मस्ट हैव बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और आपके पास कंप्यूटर नॉलेज भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। एज लिमिट भी आपने फ्रेंड्स देख लिया, 18 साल से लेके आप देख सकते हैं मैक्सिमम एज 32 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेंगे एज पर रूल्स के अकॉर्डिंग। एप्लीकेशन का जो फी है आपने देख लिया, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज़, एससी पीएच और फीमेल के लिए नो चार्जेस। पेमेंट का जो मोड है फ्रेंड्स आपका ऑनलाइन और ई चलान के अकॉर्डिंग ही होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस भी आपने देख लिया फ्रेंड्स, अभी नोटिफिकेशन शून होने वाला है और सैलरी आपने 15 से 20 हज़ार तक ही आने वाला है फ्रेंड्स। और जो इंपॉर्टेंट डेट्स है फ्रेंड्स आपके, वो भी जल्दी आ जाएंगे फ्रेंड्स नोटिफिकेशन शून। सो फ्रेंड्स, ये हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो था जो कि पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड था। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ इस वीडियोज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, और ऐसे में सपोर्ट करते रहिएगा ताकि आगे भी आने वाली नई वीडियोज़ सबसे पहले हम आप तक पहुँचा सकें। थैंक यू।